अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब खैरियत से होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए आप लोगों के लिए मैं एक फिर से नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं आज आप लोगों को मैं दूल्हा बनाना सिखाती हूँ, जो शादी की मेहंदी पर ब्राइडलों को जो लगाया जाता है। और बहुत ही लोग होते हैं जिसको बनाना नहीं आता है दूल्हा की किस तरह से बनता है। तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं आता है बनाना तो आप लोग मेरी वीडियो को देख कर सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो गाइस इसका मैंने सबसे पहले इसका सेहरा बनाया था, तो सर पर इसके सेहरा लगता है जो पगड़ी वगैरह बनाते हैं दूल्हा लोग लगाते हैं, ये मैंने उसका सबसे पहले वही बनाया था और स्टार्ट वहीं से किया था। उसके बाद मैंने इसका फेस कट बनाया था, अब इसके ऊपर मैंने इसकी आई बनाई है। फिर इसके बाद मैं इसको अंदर से शेड कर दे रही हूँ। जो आप लोग इसको देख रहे हैं बड़े ध्यान से देखिए, जो आप लोग इसको जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप करा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ से ख़त्म कर दिया। आजकल लोग बहुत ही शादी की मेहंदी पर अपने हाथों पर ये डिज़ाइन बनवाते हैं और कुछ उसके साथ ब्राइड भी बनवाते हैं और ब्राइड ग्रूम भी बनवाते हैं। तो आप लोग भी सीख सकते हैं और इसे सीखना भी ज़रूरी है और बनाना भी आना चाहिए सभी को। इसीलिए मैं आप लोगों की ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोग भी सीख सकें और आप लोग भी इसको बना सकते हैं अपनी अपनी ब्राइडलों के हाथ पर। अगर आप लोगों को कोई और भी पसंद हो ब्राइड ग्रूम तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मुझे पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए और मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और बनाकर लेकर आऊंगी और आपको दिखाऊंगी वैसे ही। तो गाइस वीडियो पूरी देखकर चाहिए आप लोग। तो मैं अब ब्राइड ग्रूम का हैंड बना रही हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं ये हैंड मैंने बड़ा ही इसका छोटा सा बनाया था और ये छोटा सा ही इसका था। मैंने इसके लिप थोड़े से अच्छे से कर दिए और अब देखिए इसके चेहरे के ऊपर भी मैंने इसको अच्छे से शेड कर दिया जो आप लोगों को ईजिली दिखाई दे और आसानी से आपके समझ में आए। तो फाइनली ये मेरा ब्राइड ग्रूम बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर बनाइए और ट्राई करिए और कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एक बार फिर से इसे रिपीट कर आपको दिखा रही हूँ तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मेरे चैनल पर।